हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों जैसे कि हम सभी लोगों को ईयरफोन के एडवांटेज के बारे में तो पता है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ईयरफोन से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ईयरफोन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको कम से कम नुकसान हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी है। अगर आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हो तो एक बार इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसे जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं जिससे आप लोगों को बता सकूं कि ईयरफोन से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको कम से कम नुकसान हो। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं ईयरफोन की। दोस्तों सबसे पहले आपको एक टाइप का ईयरफोन देखने को मिलता था जो कि था वायर वाला ईयरफोन, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हुआ आपको वायरलेस ईयरफोन भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप चाहे वायर वाला ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए या फिर वायरलेस वाले ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, आप दोनों में से कोई भी ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप लोग जो वॉल्यूम होता है जो मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम होता है उससे ज्यादा वॉल्यूम करके ईयरफोन को यूज करोगे तो जो आपके सुनने की क्षमता है वो लगातार कम होती जाएगी। और अगर आप लोग लंबे समय तक, साल, दो साल, तीन साल और ज्यादा लंबे समय तक ईयरफोन को ज्यादा वॉल्यूम करके, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा करके यूज करोगे तो आप बहरे भी हो सकते हो। तो दोस्तों आप जब भी ईयरफोन को इस्तेमाल करो मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप लोग कम वॉल्यूम के साथ ईयरफोन को इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहिए, वायर वाला इस्तेमाल करना चाहिए या फिर वायरलेस वाला इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने वायर वाले ईयरफोन को देखा होगा उसमें आपको केवल एक साइड में मैग्नेट देखने को मिल जाती है जहां पे स्पीकर लगा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों जो वायरलेस वाला ईयरफोन होता है इसमें आपको दो साइड में मैग्नेट देखने को मिल जाती है, एक तो स्पीकर में आपको देखने को मिल जाती है और दूसरी बैक साइड में देखने को मिल जाती है जहां से जो दोनों ईयर होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो दोस्तों जो वायर वाले ईयरफोन है वो तो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे वो कम हानिकारक है, लेकिन दोस्तों जो वायरलेस वाला ईयरफोन होता है वो और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जब उसे अपने गले में लटका के घूमते हैं तो जो आपका छाती होती है, जैसे हम लोग फेफड़े बोलते हैं, जो हृदय होता है, यहाँ पे आपके जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो डैमेज होती है और मरने लगती हैं, जिससे होता क्या कि आपको कैंसर की समस्या भी हो सकती है अगर आप लोग लंबे समय तक ऐसे ईयरफोन को लटका के चलोगे तो, जो आपके फेफड़े हैं या फिर जो आपका हृदय है या ब्लड का कैंसर भी हो सकता है। और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये होती है वायरलेस ईयरफोन से, जैसे अगर आप लोग कानों में यूज करते हो तो जो नॉर्मल वायर वाला ईयरफोन होता है उसमें इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, लेकिन जो वायर वाला ईयरफोन होता है इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कि मैंने आपको बताया। तो जो आपकी दिमाग की नसें होती है इन पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है नॉर्मल ईयरफोन के मुकाबले। तो दोस्तों अब आप लोग समझ रहे हो कि आपको कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी ईयरफोन इस्तेमाल करें सबसे पहले तो उसे बहुत ही कम यूज कीजिए, और यूज करते हैं तो आपको बहुत ही कम वॉल्यूम पे यूज करना है, और हो सके तो आप वायर वाला ईयरफोन ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग वायरलेस ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे कम से कम समय के लिए इस्तेमाल कीजिए, जब आपको यूज करना हो तभी आप लगाएं या फिर गले में रखें, उसके बाद उसे रख दीजिए, यानी आप हटा दीजिए, आप उसे इस्तेमाल मत कीजिए, जिससे आपको बहुत ही कम नुकसान पहुंचेगा और आप अपनी लाइफ को सुरक्षित कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको पैसे नहीं देने पड़ते। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेटअप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।